हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 2022 की वेटिंग लिस्ट के बारे में। एक बहुत ही सनसनीखेज जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। वेटिंग लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट जवाहर नवोदय विद्यालय स्तर पर जारी हो चुकी है, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालयों में वेटिंग लिस्ट पहुंच चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको सबूत भी दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक थंब वाला भी जो आपका बटन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि वो वीडियो लाइक हो जाए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा भाई। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 वेटिंग लिस्ट के बारे में। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की वेटिंग लिस्ट, मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी वेटिंग लिस्ट इसी मंथ में किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। इस बार जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11 का रिजल्ट भी जब आउट किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट नहीं आई, प्रत्येक नवोदय विद्यालय में रीजन वाइज लिस्ट आई। और ऐसे में ही जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की जो वेटिंग लिस्ट है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है। कल मेरे पास एक कॉल आया कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है वेटिंग लिस्ट में, तो मैंने उससे पूछा भाई आपको वेटिंग लिस्ट मिली कहां से, तो बोले मेरे पास एक कॉल आया है स्कूल से, जांच पड़ताल की मैंने तो वो बात सत्य थी, उनका एडमिशन जो है उनका सिलेक्शन हो गया है वेटिंग लिस्ट में, और स्कूल लेवल पर वेटिंग लिस्ट नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा भेज भी दी गई है। लेकिन जब मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो है मुजफ्फरपुर बिहार की लिस्ट है, और आपको दिखा सकता हूं वो लिस्ट। तो सबसे पहले वो लिस्ट देख लीजिएगा, साइड की स्क्रीन पर वो लिस्ट है। ये मुजफ्फरपुर बिहार की वेटिंग लिस्ट है जो वहां के स्कूल में लगाई गई है, जारी करके जो वहां पर पहुंची है एनवीएस द्वारा। ये लगभग वैसी ही लिस्ट है जो रिजल्ट के टाइम पीडीएफ में होती है, वैसी ही लिस्ट है, लेकिन ये वेट लिस्ट है। इसमें लिखा हुआ है वेट लिस्ट, मैं सर्कल कर दिया हूं, सर्कल के ऊपर आप देख सकते हैं ये वेटिंग लिस्ट है, ये फेक लिस्ट नहीं है। और मैंने फिर बात भी की जवाहर नवोदय विद्यालय मैनपुरी के प्रिंसिपल सर से, उन्होंने भी कहा कि वेटिंग लिस्ट आ गई है, मंडे को मैं जो है मैनपुरी वाली भी लिस्ट आप सभी को दिखा सकता हूं। फिर मैनपुरी के कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, एक सत्यम, उनके फादर का फोन आया तो उनसे भी मेरी बात हुई। तो लगभग लगभग ये तय है कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है और हर विद्यालय में है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको किस तरीके से पता करना है भाई आई है कि नहीं आई है। तो आप सबसे पहले अपने विद्यालय में जाकर विजिट करिए, जवाहर नवोदय विद्यालय में विजिट करिए। कल मंडे को पूरा ऑफिस खुलता है, सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक आप जाके विजिट करिए, वहां का नोटिस बोर्ड चेक करिए। अगर नोटिस बोर्ड पर नहीं है तो वहां के ऑफिस में बात करके वेटिंग लिस्ट लीजिए, और अपना रोल नंबर डाल के ये अपना रोल नंबर बताइए उनको कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे तो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उन सभी के नाम वहां पर वेटिंग लिस्ट में होते हैं। ऑफिशियल अभी अपडेट नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई भी अपडेट आएगा, छोटा सा भी अपडेट आएगा, तो आप सभी के लिए वीडियो के माध्यम से वो आप सभी तक पहुंचा दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट से रिगार्डिंग। तो फाइनल सूचना यही है कि वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, और जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट चाहिए वो फटाफट से अपने अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में विजिट करें जाकर, और उसके बाद अगर वहां पर नहीं होती है तो 1 से 2 दिन का वेट करें, क्योंकि 1 से 2 दिन के अंदर प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट पहुंच जाएगी क्लास 6 की, और हो सकता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ जाए। ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी तो डेली डोज बॉक्स पर सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने मार्क्स जरूर कमेंट करें, क्योंकि 91.25 ओबीसी में 91.25 का सिलेक्शन हुआ है वेटिंग लिस्ट में। तो आप लोग अपने फटाफट से मार्क्स कमेंट करें, जिससे पता लग सके कि अभी कितने और बच्चे ऐसे बाकी हैं जिनका सिलेक्शन होना है या हो सकता है। तो वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनके लिए भी जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। आगे चैनल से जुड़े रहिएगा, आप सभी के लिए ऐसे ही हेल्प करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।